हेलो एंड वेलकम टू डिफेंस मैनिया। हमने एक न्यू सीरीज स्टार्ट की है सीडीएस 1 2020 के लिए। करंट अफेयर्स की सीरीज़ रहेगी और ये इसका पार्ट वन है। इसमें कंप्लीट करंट अफेयर्स हम सीरीज़ में कवर करेंगे उसी पॉइंट ऑफ व्यू से जिस पॉइंट ऑफ व्यू से सीडीएस में पूछे जाते हैं। तो विदाउट एनी डिले लेट अस बिगिन। सबसे पहले आता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। इसको प्रिपेयर किया जाएगा बाय सितंबर 2020, अभी एक साल है। और ये किसके रिकमेंडेशंस पे बनाई गई है, तो कारगिल वॉर की जो कमेटी थी उन्होंने रिकमेंड किया था कि हमें एक नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर बनाना चाहिए। क्यों? टू कर्ब इलीगल माइग्रेशन और लिस्ट ऑफ यूजुअल रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री रिसाइडिंग है इन लोकल एरिया फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स। ठीक है, ये क्या कहना चाहता है कि इस नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के अकॉर्डिंग जो यूजुअल रेसिडेंट्स ऑफ कंट्री हैं उनको रहने की इजाज़त है। अब ये उसकी डेफिनेशन क्या है यूजुअल रेसिडेंट्स ऑफ कंट्री की, कि जो इस कंट्री में एटलीस्ट 6 महीने तक रह रहे हैं वो होंगे यूजुअल रेसिडेंट्स ऑफ कंट्री। लेकिन एक्सेप्शन है असम। असम को इस NPR में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। क्यों? बिकॉज ऑफ NRC की वजह से। NRC क्या है? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। ठीक है, असम में ये हो चुका है तो वहाँ पे पॉपुलेशन रजिस्ट्री नहीं होगी। नेक्स्ट देखते हैं, वन नेशन वन लैंग्वेज। ये इशू अभी उभर के आया था। क्यों? बिकॉज ऑन ओकेशन ऑफ हिंदी दिवस द यूनियन होम मिनिस्टर हैड प्रपोज्ड टू प्रमोट हिंदी एज कंट्रीज कॉमन लैंग्वेज। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि हिंदी दिवस हम कब मनाते हैं। ओके, अब इसकी कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी क्या जगह है वो देख लेते हैं। आर्टिकल 120 एंड 210 रिगार्डिंग लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर रिस्पेक्टिवली गिव्स द ऑप्शन ऑफ ट्रांजैक्टिंग बिजनेस इन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। मतलब इन दो आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग हम लेजिस्लेचर में या तो फिर पार्लियामेंट में अपना बिजनेस ट्रांजैक्ट कर सकते हैं इन टू लैंग्वेजेस, ईदर इन हिंदी और इंग्लिश। और आर्टिकल 343 कहता है इट गिव्स पावर टू पार्लियामेंट टू डिसाइड बाय लॉ लैंग्वेजेस टू बी यूज्ड फॉर ऑफिशियल लैंग्वेज। तो पार्लियामेंट में ये होम मिनिस्टर साहब ने इनिशिएट किया है कि हिंदी को हम कॉमन लैंग्वेज यूज़ करते हैं, किस आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल 343। जबकि आर्टिकल 344 ये कहता है इट प्रोवाइड्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ पार्लियामेंट्री कमिटी एवरी 10 ईयर्स टू रिकमेंड टू प्रेसिडेंट रिगार्डिंग प्रोग्रेसिव यूज ऑफ हिंदी लैंग्वेज फॉर ऑफिशियल पर्पसेस ऑफ द यूनियन एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन द यूज़ ऑफ इंग्लिश। ठीक है, ये जो इशू बाहर आया है, कभी कभी हम CDS में ऐसे क्वेश्चंस देखते हैं कि आर्टिकल्स में एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन की लाइनिंग्स छाप के दे देते हैं MCQ फॉर्म में कि कौन सी गलत है या कौन सी सही है। वो किसके अकॉर्डिंग आता है? रैंडमली नहीं आता, कोई करंट अफेयर्स में कोई इशू अराइज हुआ होता है उससे रिलेटेड आर्टिकल्स आते हैं। तो हमने यहाँ पे आर्टिकल 120, 210 और 343 और 344 पढ़े, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल बचा है जो है आर्टिकल 353। ये जो पिक्चर है ये हमारे POP 2021 बैच की बुक का है जिसमें हमने पॉलिटी स्टडी किया था। उसमें भी हमने ये पढ़ाया है कि इट शॉल बी ड्यूटी ऑफ यूनियन टू प्रमोट द स्प्रेड ऑफ हिंदी लैंग्वेज टू डेवलप इट सो दैट इट मे सर्व एज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन फॉर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द कंपोजिट कल्चर ऑफ इंडिया एंड टू सिक्योर इट्स एनरिचमेंट बाई डेसिमल ईटिंग विदाउट इंटरफेयरिंग विद इट्स जेनेसिस the form style the expressions used in Hindustan and in other languages of India mentioned in 8th schedule and by drawing wherever necessary or desirable for its vocabulary on Sanskrit and secondary on other languages। इसी तरह से हमने पूरा पॉलिटी स्टडी किया है, ऑल दी स्केड्यूल्स ऑल दी आर्टिकल्स, पूरी पॉलिटी की एक बुक भी बनाई है। और POP 2021 बैच की कोई भी आपको डिटेल्स चाहिए तो ये वीडियो के एंड में या तो डिस्क्रिप्शन में इसका ब्रोशर आपको मिल जाएगा। फिर आता है इंडिया एशियान रिव्यू ओवर फ्री ट्रेड पैक्ट। एशियान की बात आई तो एशियान क्या है ये पहले हम जान लेते हैं। एशियान इज़ अ जियो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन विथ 10 मेंबर कंट्रीज़।
ठीक है, इसके 10 मेंबर्स कंट्री है, कौन कौन से है, ये पहली बात तो ये बना 1967 में, ओके। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर न्यूज़ में होता है तो वो CDS का क्वेश्चन बनने का पूरी की पूरी पॉसिबिलिटी रखता है, ठीक है। सबसे पहले इनिशियली इसमें थे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, लेकिन बाद में किस किस ने ज्वाइन किया, ब्रुनेई ने, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और वियतनाम। इसको हम ज़रा सा अब मैप पे देख लेते हैं। मैप में हमें दिख रहा है ये म्यांमार, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, फिलीपींस और ब्रुनेई। इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ एशियान, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अब एशियान के साथ हमारी थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं। 1992 में हम उनके सेक्टोरल डायलॉग पार्टनर बने, 1995 में हम फुल डायलॉग पार्टनर बन गए, फिर मेंबर ऑफ एशियान रीजनल फोरम हम बने 1996 में, 2003 में और रिलेशंस इम्प्रूव करते हुए हम उनके कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट हमने उनके साथ साइन कर ली, और 2009 में फाइनली हमने उनके साथ इंडिया एशियान है ये, ओके, एशियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बैंकॉक में हुआ था, हमने वो साइन कर लिया। इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था, हमारा ट्रेड नियरली अब 80 बिलियन US डॉलर तक पहुँच चुका है, ठीक है। तो अभी उनकी जो रिव्यू मीटिंग हुई थी ओवर फ्री ट्रेड पैक्ट के बारे में, ठीक है। फिर देखते हैं क्वाड। क्वाड क्या है, ये फोर वे डायलॉग है, इसमें कौन कौन से कंट्रीज़ हैं, US, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। फॉर अ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक वॉज हेल्ड एट फॉरन मिनिस्टर्स लेवल फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन साइड लाइन्स ऑफ UNGA, UN जनरल असेंबली। और हमें ये भी पता होना चाहिए जो क्वाड है वो चाइना का एक काउंटर ऑर्गेनाइजेशन भी है। चाइना का यूनिलैटरलिज्म बहुत ज़्यादा एजर्टिव होता जा रहा है, तो ये सारी मीटिंग करके हम उनको काउंटर कर रहे हैं, उनकी मिलिट्री एजर्टिवनेस जो इंडो पैसिफिक एरिया पे बढ़ रही है उसको काउंटर करने के लिए ये ग्रुप बनाया गया है, उसके वन ऑफ द एम्स ये है, ओके। देन कम्स ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम, ये इम्पॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इंडिया और रशिया की एनुअल समिट हुई थी 20वीं, और ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग हुई थी 5th, कहाँ पे, व्लादिवोस्टोक रशिया में, ठीक है। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम का एम क्या है, टू सपोर्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ रशियाज फार ईस्ट, एस्टैब्लिश्ड इन 2015। इकोनॉमिक फोरम जो है वो 2015 में बना। ये रशियाज फार ईस्ट क्या है, हम देखते हैं, अगर हम वर्ल्ड मैप देखें तो रशिया का ईस्ट वेस्ट होराइज़न बहुत लंबा है, ठीक है, जितना वेस्ट में लंबा है उतना ईस्ट में भी है, लेकिन कंपैरेटिवली जो उसका वेस्ट पोर्शन है वो ज़्यादा डेवलप्ड है, और ईस्टर्न पोर्शन बिकॉज ऑफ एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस वो थोड़ा सा लेस डेवलप्ड है। तो रशिया ने वहाँ पे डेवलपमेंट करने का इनिशिएटिव लिया है, और उसी इनिशिएटिव के अंतर्गत ये ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग होती है, और ये 5th मीटिंग हुई है जिसमें इस बार इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया है। इंडिया के अलावा इस बार मलेशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया ने भी पार्टिसिपेट किया है, ओके। देन कम्स रेपो रेट। अभी हम देख रहे थे कि इंडिया की GDP बहुत लोअर रेट्स को सफ़र कर रही थी, इसलिए गवर्नमेंट ने उसको काउंटर करने के लिए या तो इकोनॉमी को बचाने के लिए रेपो रेट कम कर दिया था, ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि व्हाट इज़ रेपो रेट। तो रेपो रेट इज़ अ रेट एट विच सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री, जो कि RBI है इन केस ऑफ इंडिया, लेंड्स मनी टू कॉमर्शियल बैंक्स इन इवेंट ऑफ शॉर्टफॉल ऑफ फंड, ठीक है। रेपो रेट में RBI दूसरे बैंक्स को लोन देती है, और अगर रिवर्स रेपो रेट पूछे तो बिल्कुल उसका रिवर्स हो जाएगा, कॉमर्शियल बैंक RBI को कुछ पैसे देगी, ठीक है। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना, ये रेपो रेट होता है वो हमेशा ज़्यादा होता है रिवर्स रेपो रेट से, ठीक है। RBI ज़्यादा पैसे लेती है, इन टर्न इतने उससे कम ही पैसे बैंक से लेती है, ओके। एंड देन कम्स स्कीम, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, PMKMY, ये है ओल्ड एज पेंशन स्कीम, किसके लिए, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए। इसके एज ग्रुप में हम देख ले 18 to 40 years, और उनको मंथली पेंशन मिलेगा 3000 का, ठीक है, ऑन अटेनिंग
एज ऑफ 60 ईयर्स, 60 ईयर्स से पहले नहीं, 60 ईयर्स के बाद उनको मंथली 3,000 रुपीज़ मिलेंगे, लेकिन बेनिफिशियरी इज़ रिक्वायर्ड टू कंट्रीब्यूट 100 रुपीज़ पर मंथ. अभी उनको 100 पर मंथ पे करना होगा एज एन इन्वेस्टमेंट. उसके बाद 60 ईयर्स अटेन होने के बाद उनको हर महीने 3,000 रुपये मिलेंगे. ये स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, ओनली फॉर फार्मर्स. फिर है मल्टी मॉडल टर्मिनल. मल्टी मॉडल टर्मिनल में न्यूज़ ये थी कि इंडिया का सेकेंड रिवराइन मल्टी मॉडल टर्मिनल बना है. कहाँ पे? गंगा नदी पे, झारखंड में साहिबगंज में. ठीक है, तो ये सेकेंड है, तो फर्स्ट कहाँ था? वाराणसी यूपी में. ठीक है, इसको जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट के अंडर बनाया गया है. देन कम्स लीड्स इंडेक्स. ये लीड्स क्या है? लीड्स इज लॉजिस्टिक्स एंड एस्टिमेट्स अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, उसका इंडेक्स. इसमें क्या होता है? इट मेक्स अ परसेप्शन बेस्ड असेसमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड लॉजिस्टिक्स अक्रॉस इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, फोकसिंग ऑन यूजर्स एंड स्टेक होल्डर्स. ठीक है, इसको डेवलप किया जाता है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री अलॉन्ग विथ डेलॉइट. ठीक है, लेट्स इंडेक्स के अकॉर्डिंग गुजरात फर्स्ट स्टेट आया है, इंडेक्स में फर्स्ट स्कोर किया है, और यूनियन टेरिटरी की बात करें तो चंडीगढ़ नंबर 1 पे आया है. ओके, ये लीड्स इंडेक्स जो है इसका फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है. कौन इसे डेवलप करता है और फर्स्ट कौन आया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है. ठीक है, उसके बाद सरल इंडेक्स. सरल का फुल फॉर्म देख लेते हैं, स्टेट रूफ टॉप सोलर अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स. ठीक है, ये रूफ टॉप से रिलेटेड है, सोलार रूफ टॉप. ठीक है, इसको कौन सी मिनिस्ट्री रिलीज करती है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी. इसमें फर्स्ट आया है कर्नाटका, सरल इंडेक्स कर्नाटका. देन कम्स ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट. इसको रिलीज करती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. इंडिया का इसमें 34th रैंक आया है. देन कम्स स्मार्ट पॉलिसिंग. स्मार्ट पुलिसिंग को अभी लॉन्च किया था हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने. और स्मार्ट का फुल फॉर्म हम एक बार देख ले तो, एस फॉर स्ट्रिक्ट एंड सेंसिटिव, एम फॉर मॉडर्न एंड मोबाइल, ए फॉर अलर्ट एंड अकाउंटेबल, आर फॉर रिलायबल एंड रिस्पॉन्सिव, टी फॉर टेक्नोसैवी एंड ट्रेंड. ठीक है, इनका मेन पर्पस ये है टू डील विथ टेररिज्म, माओइज्म एंड इंसर्जेंसी. ओके, और उसके बाद ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है COP 14, UN कन्वेंशन ऑन डेजर्टिफिकेशन. इसमें क्या इम्पॉर्टेंट है? 14th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ये हुई थी न्यू दिल्ली में, इसका 14th एडिशन. ओके, तो इसकी बात कर ले UNCCD की, तो ये पहले एस्टैब्लिश हुआ था 1994 में. ठीक है, इट इज़ एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट दैट लिंक्स एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट टू सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट. इट एड्रेसेस स्पेसिफिकली एरिड, सेमी एरिड एंड ड्राई सब ह्यूमिड एरियाज. ओके, फिर आता है फॉरेस्ट्स प्लस 2.0. इसको लॉन्च किया है US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट और इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. ये जो भी इंडेक्स होता है, जो भी इनिशिएटिव होता है, वो लॉन्च कौन करता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. हर बार किसी ना किसी इंडेक्स को या किसी ना किसी इनिशिएटिव को पूछा जाता है CDS एग्ज़ाम में. फॉरेस्ट प्लस 2.0 क्या है? इट इज़ इन 5-year प्रोग्राम. ये फोकस करता है इन डेवलपिंग टूल्स एंड टेक्निक्स टू बॉल्स्टर इकोसिस्टम मैनेजमेंट and harnessing ecosystem services in forest landscape management. और ये focus करता है capacity building में to help India participate in REDD+. REDD+ क्या है? Reducing emissions from deforestation and forest degradation. Okay, it is in climate change mitigation solution developed by parties to UNFCCC to reduce emissions from deforestation and forest degradation. Or REDD+ incentives developing countries to keep their forest conserved by offering result-based payments for action to reduce and remove forest carbon emissions. ठीक है,
फिर आता है कोल गैसिफिकेशन बेस्ड फर्टिलाइज़र प्लांट. इसमें क्या है, इंडिया ने अपना पहला प्लांट सेटअप किया है कोल गैसिफिकेशन पे, जो कि फर्टिलाइज़र प्लांट है. कहाँ पे? ओडिशा में. ओडिशा में स्पेसिफिकली पूछे तो टैलचर में. ये क्या करता है, ये कोल को सिंथेसिस गैस, जिसको हम सिन गैस भी कहते हैं, उसको कन्वर्ट करता है. और अब सिन गैस क्या है ये देख लेते हैं. ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है. सिन गैस इज़ अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. सिन गैस के साथ साथ पूछते हैं वाटर गैस और नाइट्रोजन गैस, या तो लाफिंग गैस. इस ये जो मिक्सचर्स होते हैं, या तो उनके कोई स्पेशल नाम होते हैं, वो साइंस एंड टेक में क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल कमेंट कीजिएगा कि लाफिंग गैस क्या है और वाटर गैस क्या है. ओके फिर है 10 ईयर्स रूरल सैनिटेशन स्ट्रैटेजी. इसको रिलीज करती है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति. और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति आया है तो हमें ये भी पता होना चाहिए, पहले इस मिनिस्ट्री को मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन के नाम से भी जाना जाता था. एक दो मिनिस्ट्रीज इसको मिला के इसको बनाया है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति. फिर आता है AISHE. वो क्या है, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन. इसको रिलीज़ करता है HRD मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, जैसे टीचर टू प्यूपल रेशियो, कितनी एनरोलमेंट आ रही है, कितने बच्चे सस्टेन कर रहे हैं स्कूल में, और उनके रिजल्ट्स और एकेडमिक परफॉर्मेंसेस क्या रह रहे हैं. उस पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग सारे इंस्टीट्यूशंस को इसमें रैंक दिया जाता है. फिर आता है प्रोहिबिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज एंड एडवर्टीजमेंट ऑर्डिनेंस 2019. बेसिकली इसमें ई सिगरेट्स को बैन किया गया था. तो हम जान लेते हैं ई सिगरेट्स क्या है. ई सिगरेट्स आर बैटरी ऑपरेटेड डिवाइसेस दैट प्रोड्यूस एरोसोल्स बाय हीटिंग अ सॉल्यूशन कंटेनिंग निकोटीन. निकोटीन को हीट करके एरोसोल फॉर्म में उन्हें लाया जाता है, विच इज़ एन एडिक्टिव सब्सटेंस इन कंबस्टिबल सिगरेट्स. निकोटीन होता है वो एडिक्टिव हो जाता है, उसकी आदत लग जाती है. दीज इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम, हीट नॉट बर्न प्रोडक्ट्स, ई हुक्का एंड अदर लाइक डिवाइसेस. और वैपिंग एक टर्म पूछा जाता है इस CDS में, बहुत टेंटेटिव क्वेश्चन रहेगा ये कि स्मोकिंग ई सिगरेट्स को वैपिंग कहते हैं. ठीक है फिर आते हैं विक्रम साराभाई पे, डॉक्टर विक्रम साराभाई. ये अभी न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इस साल 2019 में इनकी बर्थ सर्टेनरी बन रही है. मतलब उनका जन्म हुआ था 1999 में और अब उनके जन्म के 100 साल पूरे हो चुके हैं, और उनको कंसिडर किया जाता है एज फादर ऑफ इंडिया स्पेस प्रोग्राम. उन्होंने एस्टैब्लिश किया था इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च को 1962 में, और अब वो इसरो के नाम से जाना जाता है. तो ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट हो गया कि इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, जो कि 1962 में बना था, उसी को आज के ज़माने में इसरो कहा जाता है, और उनको एस्टैब्लिश करने वाले थे डॉक्टर विक्रम साराभाई. उन्होंने इंडिया की पहली सैटेलाइट आर्यभट्टा पे भी काम किया था, और वो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के भी चीफ रह चुके हैं. ओके देन कम्स नाविक. नाविक क्या है, ये एक नेविगेशनल सैटेलाइट है. IRNSS स्टैंड्स फॉर इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जो कि डिज़ाइन की गई है टू प्रोवाइड एक्यूरेट रियल टाइम पोजिशनिंग एंड टाइमिंग सर्विस टू यूजर्स इन इंडिया. ठीक है न्यूज़ ये थी कि 3GPP ने अप्रूव कर दिया है नाविक को. अब ये 3GPP क्या है, थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट. ठीक है विच यूनाइट्स 7 टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है इससे क्या फ़ायदा होगा, 3GPP ने, मतलब थर्ड एडिशन, थर्ड जनरेशन ऑफ पार्टनरशिप प्रोजेक्ट ने अगर नाविक को अप्रूव कर दिया है, इसका मतलब ये हमें टेलीकम्युनिकेशन में बहुत बेनिफिट करेगा. इंडिया कैन रन ऑन एक्सट्रीम 4G, एडवांस 4G एंड 5G इन फ्यूचर. ठीक है फिर आता है साइकामोर. साइकामोर क्या है,
ये क्वेश्चन पूछा जाता है वन लाइनर्स में. ये क्या है? ये गूगल का एक क्वांटम कंप्यूटर है. गूगल के क्वांटम कंप्यूटर को नाम दिया गया है साइकमोर. और अब जी आई टैग का क्वेश्चन. जी आई टैग तमिलनाडु से ही दो चीज़ों को दिया गया है, एक लॉक को एक साड़ी को. लॉक का नाम है दिंदीगुल लॉक और कांदांगी साड़ी. फिर ए वेब. ए वेब क्या है? ए वेब स्टैंड्स फॉर एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज. ठीक है, फोर्थ जनरल असेंबली ऑफ एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज हेल्ड एट बेंगलुरु. इंडिया विल ऑल्सो टेक ओवर ए वेब्स चेयर फॉर 2019 to 2021 टर्म. ठीक है, अभी इसका हेड है इंडिया 2021 तक. इट इज़ लार्जेस्ट एसोसिएशन ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज वर्ल्ड वाइड और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 2013 में साउथ कोरिया में. अभी उसका सेक्रेटरियट है सियोल में, जो कि साउथ कोरिया का कैपिटल है. इंडिया कारिकॉम समिट. अब ये क्या है? कारिकॉम ये एक ट्रीटी है अमॉन्ग करेबियन कंट्रीज टू प्रमोट इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड कॉपरेशन अमॉन्ग इट्स मेंबर. इकोनॉमिक प्रमोशन के लिए है, टू इंश्योर दैट द बेनिफिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आर इक्विटेबली शेयर्ड एंड टू कोऑर्डिनेट फॉरेन पॉलिसी. ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब, उन्होंने फर्स्ट इंडिया कारिकॉम लीडर समिट एड्रेस किया था न्यूयॉर्क में. देन कम्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स, जो कि अभी बना है मुंबई में और बनने वाला है अहमदाबाद और कानपुर में. तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है वन लाइन फॉर्म में कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स कहाँ कहाँ है. अभी मुंबई में है लेकिन बहुत जल्द अहमदाबाद और कानपुर में भी बन जाएगा. देन कम्स ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स. इसको रिलीज करते हैं इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट. इसमें कैटेगरीज क्या होती है? स्टेबिलिटी देखी जाती है, हेल्थ केयर, कल्चर, एनवायरनमेंट, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर को देखा जाता है. इस बार टॉप किया है वियना ने और न्यू दिल्ली और मुंबई ने रैंक किया है 118 और 119. हम बहुत पीछे चल रहे हैं ग्लोबल लाइवलेबिलिटी इंडेक्स में. फर्स्ट ग्लोबल ट्रेड सेंटर फॉर वुमेन कहाँ पे बन रहा है? केरला में. ठीक है, ये वर्ल्ड का फर्स्ट है तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. देन कम्स अपाचे हेलीकॉप्टर, जो कि हमने US से मंगवाए हैं. उनको कहा जाता है फ्लाइंग टैंक. ये ऑल वेदर हेलीकॉप्टर्स हैं. ये इम्पॉर्टेंट है कि कहाँ से मंगवाया है. ठीक है, या तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मिलिट्री इक्विपमेंट इज नोन एज फ्लाइंग टैंक. ओके, तो आपको याद रखना है ये अपाचे AH-64 हेलीकॉप्टर्स हैं. फिर आती है अस्त्र मिसाइल. अस्त्र है फर्स्ट इंडिजिनसली मेड एयर टू एयर मिसाइल. इसको डिज़ाइन किया गया है बाय DRDO और ये वर्क करता है BVRAAM पे. ये क्या है? बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल. ठीक है, और इसको लॉन्च किया गया था Sukhoi-30 MKI फाइटर जेट से. इसमें ये सारे जो स्टैटिक फैक्ट्स हैं सारे के सारे इम्पॉर्टेंट हैं. ठीक है, उसके बाद इम्पॉर्टेंट है ICGS वराहा. ये क्या है? ये इंडियन कोस्ट गार्ड शिप है वराहा, जिसको अभी कमीशन किया गया था, इसलिए ये न्यूज़ में है. देन कम्स बेसल कन्वेंशन. बेसल कन्वेंशन क्या है? इट इज़ एन इंटरनेशनल ट्रीटी दैट वॉज डिज़ाइन टू रिड्यूस द मूवमेंट्स ऑफ हजार्डस वेस्ट बिटवीन नेशंस and specifically to prevent transfer of hazardous waste from developed to less developed countries. ठीक है, बेसल कन्वेंशन क्या कहता है कि कोई भी जो hazardous चीज़ें हैं वो across the nation या तो international boundary cross नहीं करनी चाहिए. और इनका emphasis, इनका stress किस पे रहता है कि खासकर developed countries, less developed countries को ये hazardous waste transmit ना करें. ठीक है, ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि क्रोएशिया ने अभी अभी इस कन्वेंशन को साइन किया है और ये जो बैन है उसको रेटिफाई किया है. ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इंडिया ने अभी तक इस चीज़ को रेटिफाई नहीं की है. इंडिया इज़ नॉट पार्ट ऑफ बेसल कन्वेंशन एज ऑफ नाउ. देन कम्स साथी इनिशिएटिव. साथी स्टैंड्स फॉर सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल एंड टेक्निकल हेल्प इंस्टीट्यूट. इसको स्टार्ट किया है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने. ठीक है,
आईआईटी खड़गपुर विल ट्रीट साथी सेंटर एज इट्स सोशल साइंटिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम टू प्रमोट कल्चर ऑफ साइंस बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप्स इन कंट्री. ओके, आईआईटी दिल्ली और बीएचयू वाराणसी भी इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे साथी फैसिलिटीज लोकेट होंगी. ओके, उम्मीद. उम्मीद स्टैंड्स फॉर यूनिक मेथड्स ऑफ मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स इनिशिएटिव. ये जितने भी फुल फॉर्म्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ओके, इट एम्स टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट जेनेटिक डिसऑर्डर्स अमॉन्गस्ट क्लिनिशियंस एंड एस्टैब्लिश मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स इन हॉस्पिटल्स सो दैट बेनिफिट्स ऑफ डेवलपमेंट इन मेडिकल जेनेटिक्स कुड रीच पेशेंट्स. उम्मीद स्टैंड्स फॉर यूनिक मेथड ऑफ मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स. अब ग्लोबल गोलकीपर्स अवार्ड 2019, इसको इस बार जीता है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने, और ये दिया जाता है बाय बिल एंड मलिंदा गेट्स फाउंडेशन. इनको मिला है स्वच्छ भारत अभियान के लिए. तो हम पर्पस देख लेते हैं. दे फेलिसिटेट चेंज मेकर्स अराउंड द वर्ल्ड फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स मीटिंग द UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. ठीक है, इनको चेंज मेकर्स अवार्ड्स मिला है. जो मिला है वो किस लिए मिलता है? क्योंकि उनका एफर्ट है UN के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको अचीव करने में. इनकी 5 कैटेगरीज होती हैं, जैसे प्रोग्रेस अवार्ड है, चेंज मेकर्स अवार्ड है, कैंपेन अवार्ड, गोलकीपर्स वॉइस अवार्ड एंड गोलकीपर अवार्ड. ठीक है, जो गोलकीपर ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड है उनकी कोई एज लिमिट नहीं है, गोलकीपर वॉइस अवार्ड की कोई एज नहीं है, लेकिन प्रोग्रेस अवार्ड और चेंज मेकर अवार्ड और कैंपेन अवार्ड की एज लिमिट है 16 to 30 years. और एक और गुड न्यूज़ है इंडिया के पास कि पायल जंगिद, ये 16 ईयर्स ओल्ड गर्ल है राजस्थान से, जिसको इस बार चेंज मेकर अवार्ड मिला है फॉर हर वर्क अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज. ये बहुत प्राउड मोमेंट है फॉर इंडिया. गोलकीपर अवार्ड जो प्रधानमंत्री साहब को मिला है वो सबको पता होता है, लेकिन पायल जंगीत को जो अवार्ड मिला है ये इम्पोर्टेंट बन जाता है. देन कम्स INS खंडेरी. ये क्या है? ये स्कॉर्पिन क्लास अटैक सबमरीन है जिसको अभी अभी कमीशन किया गया है नेवी के अंदर, इंडियन नेवी के अंदर, और ये स्कॉर्पिन क्लास की सेकेंड सबमरीन है. तो फर्स्ट कौन सी है? तो फर्स्ट थी INS कलवरी, कलवरी के बाद आई है खंडेरी, और इसके बाद आएगी करंज. ठीक है, ये प्रोजेक्ट 75 के अंदर इसको लॉन्च किया गया है, और अंडर प्रोजेक्ट 75 इंडिया एम्स टू बिल्ड 6 स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन इन कोलेब्रेशन विद फ्रांस, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम नेवल ग्रुप. इंडिया और फ्रांस के बीच में प्रोजेक्ट 75 साइन हुआ है, और उसमें फ्रांस की जो टेक्नोलॉजी है वो हम ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी हम सीखेंगे, और उसी के अंतर्गत हम बना रहे हैं स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन्स. ऐसी 6 सबमरीन्स बनेंगी. ठीक है, और पहली थी कलवरी. तो फ्रेंड्स, हमारी पहली सीरीज़ का पहला पार्ट यहीं ख़त्म होता है. होप यू लाइक्ड इट. ये सारे के सारे क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स के फॉर्म में रिस्पेक्टिव ईयर्स के. ठीक है, तो इसको आप बिल्कुल रिवाइज़ करिएगा. इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी जिसका नाम है POP2021 बैच. ठीक है, इसका कंप्लीट ब्रोशर डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है, और ये जो वीडियो का एंड है वहाँ पे भी उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है. अगर आप टारगेट कर रहे हैं CDS 2020 और FCAT 2020 को, तो ये बैच आपको ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए. तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग, स्टे कनेक्टेड एंड गुड बाय.